फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचने वाले हैं आज अयोध्या। और ये देखिए, ये वही ब्रिज है, अयोध्या का ब्रिज। अभी हम लोग अयोध्या से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर हैं। ये देखिए, काफी बड़ा ब्रिज है। कोशिश करेंगे कि आज हम आपको अयोध्या की आरती दिखाएं, जो रात के टाइम होती है। वैसे तुम थोड़ा लेट हो रहे हैं, बट कोशिश करेंगे टाइम से पहुंच जाएं। अगर पहुंच गए तो आज आपको दिखाएंगे आरती और करवाएंगे मंदिर का दर्शन। बोलो जय श्री राम। देखिए फ्रेंड्स, ये सब दर्शनार्थी जा रहे हैं वहां पर। ये देखिए अयोध्या, ये देखिए भीड़ है काफी। वहां पे शायद हो सकता है कार्तिक की वजह से वहां पर लोग जाते हो ज्यादा। काफी भीड़ है, ये देखिए गाड़ी की गाड़ियां खड़ी हुई हैं बहुत सारी। भाई भीड़ है। In 300 meters, take the ramp on the right to National Highway 27, National Highway 330. क्या लगता जी, भीड़ मिलेगी? मिलेगी। देखिए आ गए हैं अयोध्या। बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि कल है काशी, और काशी पर यहाँ पर होता है गंगा स्नान, और गंगा स्नान में पब्लिक बहुत ज्यादा आई हुई है। ये देखिए गाड़ियां भी बाहर खड़ी, गाड़ी खड़ी करके हम लोग भी अब जा रहे हैं आगे। देखते हैं कितनी भीड़ मिलेगी, कैसे दर्शन होंगे। तो आज अयोध्या के दर्शन तुम्हें हो ही जाएंगे एटलीस्ट, आखिरकार। ये देखिए जी, साढ़े छह बजे यहाँ होती है आरती, तो आरती में भी लोग जा रहे हैं और गंगा स्नान भी करेंगे। लोग बहुत ज्यादा हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर में भी पैदल चलना है। ये देखिए, आपको जहाँ दिखेगा भीड़ भीड़ दिखेगी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हरिद्वार में गंगा जी आ गए हो दर्शन करने। और आज तो वैसे भीड़ होनी है क्योंकि कल काशी है, तो काशी के गंगा स्नान के लिए बहुत लोग आते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए भाई कितनी भीड़ है, कुछ रिक्शा वाले भी हैं, हम लोग को सोच रहे हैं रिक्शा कर लें ताकि टाइम से वहां पहुंच जाएं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अयोध्या। परांठी जी बता रही है कि यहाँ पर एकादशी के दिन परिक्रमा होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पब्लिक है। क्यों आंटी जी, इसीलिए पब्लिक है ना? देखो बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं रोड पे, हर जगह आपको यहाँ पर रात में परिक्रमा करते हैं लोग नजर आएंगे भी अयोध्या की। और अब हम जा रहे हैं घाट पर, वहां करेंगे आरती। हाँ फ्रेंड्स, बहुत लोग आए हुए हैं, पूरा मेला लगा हुआ है। अरे वो इसलिए लगा कि कल काशी है, तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, जा रहे हैं हम तुलसीदास घाट पे, वहां जाके हम करेंगे आरती। और ये देखिए चलो, आखिरकार हम अयोध्या नगरी पहुंची गए दर्शन करने के लिए। देखिए भैया कितना बढ़िया, ये देखिए अभी हमें भी पूरी तरीके से मालूम नहीं कौन सी घाट है, कहां पर हमें जाना है, पर हम पूछ पूछ के पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाएं टाइम से। पंचकोसी परिक्रमा में आपका स्वागत है। इसको बोलते हैं पंचकोसी परिक्रमा, और ये आराम से 24 घंटे के अंदर, जैसा कि आपने सुना होगा कि पंचकोसी परिक्रमा चल रही है जो 24 घंटे की होती है, और यहाँ लोग उसी लिए आए हुए हैं। तो अब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचें और कम से कम आरती तो देखें। परिक्रमा तो शायद हमसे नहीं हो पाएगी, लेकिन देखते हैं अब। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि हमने कई बार सोचा था कि एक बार अयोध्या जरूर जाएंगे, और आखिरकार हम लोग आज अयोध्या पहुंच ही गए। हमने प्लान कर लिया था कि काम तो बाद में करेंगे, लेकिन आज दर्शन जरूर करेंगे।
और भगवान ने हमें आखिरकार बुला ही लिया अपने दर्शन के लिए। ये देखिए राम जन्मभूमि अयोध्या, और अयोध्या हम आए भी बहुत ही अच्छे दिन है, कल है एकादशी और यहाँ पंचकोसी परिक्रमा होती है जो बहुत ही शुभ मानी जाती है, और इसी टाइम पे हम लोगों को शायद भगवान ने दर्शन देने थे इसलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं आरती देखने के लिए, और कल या कोशिश करेंगे आज हम दर्शन भी करेंगे। ये देखिए, तो देखिए ये दीपदान हो रहा है। आ जाओ आ जाओ, कहीं फिर बंद हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा भीड़ है, और देखते हैं कैसी वहाँ पर हम लोगों को जगह मिलती है, क्या पता आरती देखने के लिए मिली जाए अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए, ये है, अब ये नहीं पता मेरे को, शायद ये सरयू नदी है, और यहीं आगे सरयू नदी है जहां तक है मुझे पक्का नहीं है, सरयू नदी कहता तो यही है। ये देखिए ये सारे अखाड़े हैं, धर्मशालाएं हैं, और लोग दीपदान कर रहे हैं। हाँ करेंगे, दीपदान कर देंगे। बहुत ही अच्छे दृश्य है, वाह सैफरॉन कलर सारे में, हर जगह भगवा कलर ले आया हुआ है। ये देखिए तो फ्रेंड्स हम लोग हो गए हैं थोड़ा लेट, आरती हो गई है खत्म। ये देखिए सब लोग आरती करके ही आ रहे हैं क्योंकि 6:30 बजे होती है। हाँ घाट तक चलते हैं, आरती तो खत्म हो गई लेकिन चलो कोई नहीं घाट के दर्शन तो कर लें। कोई 6:30 बजे यहाँ आरती होती है, और बस वही है कि 15-20 मिनट हम लोग लेट हो गए इसलिए आरती तो नहीं देख पाए, और चलो कोई बात नहीं यहाँ के दर्शन कर लिए यही बहुत है। तो आपको लेके चलते हैं घाट पे जहाँ आरती होती है। फ्रेंड्स भक्तों का बहुत ही बड़ा विशाल जनसमूह जो यहाँ आया हुआ है, वाह। हाँ ये देखिए पूरे पार्क में आपको लोग ही लोग दिखेंगे। ये देखिए बस थोड़ा दुख इसी बात का है कि आरती हम लोग अटेंड नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो गया, पर चलो कोई बात नहीं देखते हैं। क्यों जी 15 मिनट लेट, जाम ने हमें फंसवा दिया क्यों? तो दोस्तों ये सब लोग आरती करके आ रहे हैं, और इन सब लोगों का बहुत ही अच्छा सौभाग्य था कि इनको आरती मिली, और हम लोग आरती करने से थोड़ा 15 मिनट लेट हो गए, बस इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि हमें बहुत लंबा दूर से आना था, रास्ते में जाम वगैरह भी मिल गया इसलिए आरती नहीं मिल पाई, पर चलो कोई बात नहीं दिखाते हैं अभी आपको घाट के दर्शन कराते हैं जहाँ आरती होती है। आरती सिर्फ यहाँ इसी घाट पे होती है और कहीं नहीं होती, तो बस अब पहुँचने वाले हैं हम लोग घाट के ऊपर। फ्रेंड्स अल्टीमेटली हम लोग पहुँच गए हैं घाट पर जहाँ आरती होती है। ये देखिए दोस्तों यह है वो घाट जहां आरती होती है, सिर्फ 15 मिनट लेट की वजह से आरती नहीं हो पाई, मिल पाई हम लोगों को। ये देखिए जहां सब जगह आरती होती है, जैसे हरिद्वार और काशी विश्वनाथ में भी आपने देखा होगा उसी तरीके से अभी आरती होती है। चलो कोई बात नहीं निकल गई आरती हम लोगों की, कल ही आरती मैंने कल ही। ये घाट है बहुत ही बढ़िया घाट है,
तो लोग दीपदान कर रहे हैं बहुत बहुत ही बढ़िया। ये देखिए घाट पे लोग बैठे हैं आरती के बाद, और अभी हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ से अभी हम जाएंगे मंदिर श्री राम मंदिर, और उसके बाद जाएंगे हनुमानगढ़ी, या हो सकता पहले हनुमानगढ़ी जाए। हाँ जी कोई बात नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है, दीप वगैरह जला लेते हैं, तो देखते हैं अब हम लोग दीप जलाएंगे और दीप दान करेंगे। ये यहाँ मिल रहे हैं दीप, सरयू सरयू नदी, सरयू बोलते हैं सरयू, और अभी हम लोग लेंगे यहाँ से दीप जो हम करेंगे अभी यहाँ से दान। ये देखिए कौन सा वाला दोगे भैया, कौन सा वाला दोगे, फूल बत्ती दोनों दोगे, फूल बत्ती दोनों दोगे, ठीक है। कितना चाहिए आपको, एक एक ही चाहिए, मैं तो दो बना दे दो। और लोग कर रहे हैं सरयू नदी में स्नान। ये देखिए और ये यहाँ हो रहा है दीपदान, ये देखिए दीपदान होता है इस तरीके से। और दीपदान का एकाशी के पास एक कार्तिक माह में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो ये लोग वही कर रहे हैं। ये देखिए हाँ तैयारी करो भैया, वो आप लोग का आप लोग का चार बजे इधर आओ तुम लोग पीछे, और डंडे से आगे जाओ वहाँ पे बीच में, बीच में बीच में जाओ, चले जाओ नीचे भैया थोड़ा जाना। हाँ हाँ निकल गया, जय श्री राम जी। अब करो आप भी दीप, तो फ्रेंड्स कर लिए हम लोगों ने दीपदान, दीपदान के बाद हम करेंगे हनुमानगढ़ी बालाजी महाराज बजरंगबली महाराज के दर्शन, और उसके बाद जाएंगे हम लोग मंदिर श्री राम जी के, राम जन्मभूमि मंदिर। हाँ 10 बजे तक दर्शन मिलते हैं, तो 10 बजे तक दर्शन करके फिर हम निकलेंगे आगे। तो फ्रेंड्स ये आ गया मेन चौराहा, यहाँ से अगर हम लोग राइट मुड़ जाते हैं तो जाएंगे मंदिर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि अयोध्या। तो देखिए अब जा रहे हैं हम लोग वहीं दर्शन करने के लिए। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये रास्ता जा रहा है हनुमानगढ़ी बालाजी महाराज के मंदिर में, और वहीं से आगे जाएगा श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या मंदिर, जहां हम जाएंगे। पहले हम जाएंगे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद करेंगे रामचंद्र जी के मंदिर के दर्शन। तो भक्तों आपको लेके चलते हैं, यहाँ से चलना पड़ेगा थोड़ा पैदल क्योंकि भीड़ बहुत ऐसी है, अब यहाँ पर ऑटो वगैरह सब बंद कर रखे हैं। फ्रेंड्स देखिए आपको जहाँ देखेंगे आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी, और ये सब जा रहे हैं दर्शन करने श्री राम जी के और हनुमान जी के। ये देखिए चले किसी को, ये है परिक्रमा पथ, तो सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं पंचकोसी परिक्रमा। ये देखिए और साथ साथ हमारी भी हो रही है परिक्रमा। फ्रेंड्स देख लिए हम लोगों ने कर लिया रिक्शा, जिससे हम जाएंगे मंदिर हनुमानगढ़ी, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, और बाई चांस हमें रिक्शा वाले भैया मिल गए, इन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा आपको मंदिर के पास। तो देखिए क्योंकि थोड़ा टाइम कम है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी पहुंच जाए उतना बढ़िया है, और अभी हम लोग निकल चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स देखिए दर्शन कर लीजिए परिक्रमा स्थल के, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको पंचकोसी परिक्रमा के दिन दर्शन करने के लिए मिलता है। वैसे तो बहुत लोगों ने वीडियो डाली हुई होंगी, लेकिन पंचकोसी मंदिर की वीडियो बहुत कम लोगों ने डाली होगी। पंचकोसी परिक्रमा के दिन आपको हम लोग दर्शन कराएंगे, बहुत ही
मैं तो होता है इस टाइम दर्शन करने का। तो देखिए पंच कोश, ये देखिए तुलसी उद्यान, ये क्या है ऐसी बना रखा है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ बाजार, बाजार के बीच में ये रोड है जहाँ से पंचकोशी परिक्रमा होती है। सामने देखिए एलईडी चल रही है और मोदी जी और योगी जी आ रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स पंचकोसी परिक्रमा यानी कि 15 किलोमीटर की ये परिक्रमा स्थल है। 15 किलोमीटर पैदल जाते हैं लोग और करते हैं दर्शन और परिक्रमा का लाभ उठाते हैं। देखिए ये मंदिर और मूर्तियां बनती हैं यहाँ। तबीयत खराब होने पर ये देखिए वहाँ से दवा ले परिक्रमा के दौरान। तो फ्रेंड्स देखिए दिख रहे होंगे हमारे हनुमानगढ़ी मंदिर बिल्कुल सामने सीधा। ये देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर का अलौकिक दृश्य। वाह। और हम जा रहे हैं उसी तरफ दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स आ गया है ये हनुमानगढ़ी मंदिर जाने के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हनुमानगढ़ी दशरथ महल और कनक महल। ये देखिए तो अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल और करेंगे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन और उसके बाद हम करेंगे अयोध्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स चल चुके हैं हम लोग पैदल रास्ता जो सीधा हनुमानगढ़ी मंदिर जो आपको दिख ही रहा होगा ऊपर। ये देखिए तो अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ और वहां पहुंच के आपको कोशिश करेंगे दर्शन कराने की। ये राजद्वार मंदिर अयोध्या। ये देखिए थोड़ा ऊपर है ऐसे ही जैसे कि हनुमानगढ़ी मंदिर है वो जो आपको सामने दिख रहा है जहां हमें भी जाना है। यहाँ लगभग 100 सीढ़ी हैं जो ऊपर चढ़ के जानी पड़ती हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम हनुमानगढ़ी जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये देखिए और ये जा रहा है रास्ता ऊपर हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए जो 100 सीढ़ियां जैसे कि हमने बताया था आपको लगभग 100 सीढ़ियां चढ़नी है और फिर उसके बाद हमें दर्शन होंगे हनुमान जी महाराज के। तो चलिए और बोलते चलिए जय श्री राम जय श्री राम। तो फ्रेंड देखिए पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। ये देखिए और यहां से हम जाएंगे ऊपर। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में मजा आ गया। वाह। तो फ्रेंड सब रहे हम लोग भगवान के दर्शन करने भगवान जी के। ये देखिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री बजरंगबली महाराज की जय। पहुंच गए हैं हम लोग दर्शन के लिए। वाह। आ गए हैं हम अपने इष्ट बालाजी महाराज बजरंगबली महाराज के दर्शन करने हनुमानगढ़ी अयोध्या। देखिए क्या बढ़िया दर्शन है। भीड़ भी बहुत ज्यादा नहीं है जैसा कि हमने सोचा था भीड़ होगी लेकिन है नहीं। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ है यहाँ। ये देखिए कोशिश करेंगे अब दिखाने की। ये देखिए ये मेन गर्भ है। ये देखिए तो फ्रेंड्स मेन गर्भगृह के दर्शन कर लीजिए जहाँ बालाजी महाराज विराजमान हैं। यहाँ विराजमान है हमारे बजरंगबली महाराज। ये देखिए बहुत ही अद्भुत बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया। यहाँ आए तो जरूर दर्शन करें एक बार और अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज को
दर्शन करें। जय श्री राम महाराज। और अब हम कर रहे हैं परिक्रमा। ये देखिए इतने अच्छे दर्शन, यहाँ कोई भीड़ तो है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की करते हो, पुलिस वाले आगे हटाते भी नहीं, आराम से दर्शन करने दिए, बहुत ही बढ़िया दर्शन करने दिए, किसी तरीके की मनाही नहीं है। आप 5 मिनट खड़ा होना चाहें तो खड़े भी हो सकते हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ से दर्शन करने के बाद निकलते हैं वापस। ये रास्ता है जहाँ से हम दर्शन करने के बाद निकले हैं, और अब जाएंगे यहाँ नीचे और जाएंगे हम अपने ईष्ट देव श्री राम जी के, रामलला के मंदिर, और दिखाएंगे वहाँ पर भी दर्शन कराएंगे, कोशिश करेंगे पूरी पूरी। बोलो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। सभी हम जा रहे हैं श्री राजद्वार मंदिर, जो अयोध्या के राजा थे उन्होंने बनवाया था, और कहते हैं कि विक्रमादित्य जी ने बनवाया था, बट हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो अयोध्या के राजा थे उन्होंने ये मंदिर बनाया था। और उसके बाद हम जाएंगे कनक मंदिर, कनक मंदिर जो सीता जी को मुंह दिखाई में मिला था, तो उस मंदिर में भी जाएंगे, आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल सबसे पहले चलते हैं राजद्वार मंदिर। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, राजद्वार मंदिर जा रही हैं। फ्रेंड्स आ गए हम राजद्वार मंदिर। जैसा कि मैंने बताया था, इस मंदिर को बनवाया था अयोध्या के राजा जी ने, और अब हम जा रहे हैं इसके दर्शन करने। ये देखिए, और यहीं से आगे से रास्ता निकलता है कनक मंदिर के लिए, तो वहां भी जाएंगे। और बाकी रही राम जन्मभूमि की दर्शन, वो हम करेंगे कल, क्योंकि अब हो गया होगा बंद, सब लोग बोल रहे हैं बंद हो गया, सुबह खुलेगा 7 बजे, और उसके बाद वहां दर्शन होंगे। तो अभी चलते हैं आपको पहले राजद्वार मंदिर अयोध्या। तो दोस्तों देखिए, ये है राजद्वार मंदिर। ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए बालाजी महाराज बैठे हैं हमारे, बजरंग बली महाराज। और ये हमारा राम दरबार। अंदर जाने पर 100 मीटर के दायरे में, 200 मीटर के दायरे में राम जन्मभूमि कनक भवन दशरथ महल, ये पूरा एक रामकोट क्षेत्र है। कभी त्रेता युग में भगवान राम का महल हुआ करता था, अब वर्तमान में सब अलग अलग मंदिरों के रूप में। इस मंदिर को अयोध्या के राजा दर्शन सिंह ने करीब 500 साल पहले बनवाया। भगवान राम का राजदरबार। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये तब से ये मूर्ति है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो आप करिए दर्शन और हमें भी करने दीजिए दर्शन। तो फ्रेंड्स कर लिए हम लोगों ने राज दरबार मंदिर के दर्शन, और जैसा कि पंडित जी ने बताया आपको इसके बारे में, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से कनक मंदिर, जो कि हमने बताया था कि सीता जी को मुंह दिखाई में मिला था। तो चलते हैं, यहीं से रास्ता जाता है, और अब वहां के भी दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि दिखाया हमने राजद्वार मंदिर, राजद्वार मंदिर के साथ ही साथ अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये है पार्क, और पार्क के साथ साथ रास्ता जाता है कनक मंदिर। और कनक मंदिर हम लोग अब आपको लेके चल रहे हैं, यहाँ से ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं आपको। ये देखिए पार्क है, तो कभी भी अगर आपको यहाँ से मंदिर जाना हो कनक मंदिर, तो ये सबसे अच्छा रास्ता है पार्क के साथ साथ। और दिख रहा है वो देखिए कनक मंदिर। तो चलते हैं कनक मंदिर और करते हैं कनक मंदिर के दर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ी मंदिर, हमारे हनुमान जी जहाँ से हम लोग अभी दर्शन करके आए हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम दशरथ महल, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल, बाबा श्री जय प्रसाद जी महाराज ने बनाया गया था। और ये देखिए,
बहुत ही बढ़िया मंदिर है, मंदिर नहीं है दशरथ जी का महल है एक्चुअली। देखिए फ्रेंड्स दशरथ जी का महल कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सही। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये है दशरथ महल जो बाहर से हमने आपको दिखाया दरवाजा, अब ये मेन एंट्रेंस है और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। काफी भीड़ है यहाँ पे, तो ये देखिए आपको दशरथ जी का महल दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे उनका, यहाँ पे रहते थे राम जी के लगभग। और यही वो महल है जहाँ दशरथ जी रहते होंगे और रामचंद्र जी भी रहते होंगे। तो चलिए अब अंदर लेके चलते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स पहुंच गए हम दशरथ महल अंदर, कितने अच्छा दर्शन है। ये देखिए संकट मोचन द्वार पे संकट मोचन मंदिर, और ये देखिए और वो है अंदर मंदिर जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। ये है महाराजा दशरथ जी का महल जो अभी हमने आपको दिखाया। यहीं से आप इस रोड पे आ जाएं, सातवीं रोड है और ये रोड जाती है सीधा कनक महल, कनक मंदिर। अब तो हम जा रहे हैं कनक मंदिर की तरफ। ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए ये रास्ता जाता है कनक भवन, कनक मंदिर, जैसा कि इसके बारे में हमने आपको बताया था। सीता जी को मिला था ये वो दिखाई में। देखिए फ्रेंड ये आ गया दी कनक सरकार रसोई, श्री कनक सरकार रसोई। इस तरह कनक मंदिर परिसर है ये, यहाँ पर कनक रसोई में यहाँ प्रसाद मिलता है। ये देखिए सारे लोग लगे हैं लाइन में यहाँ पर। तो जैसे जैसे पता लगेगा। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हम कनक भवन। देखिए और अब हम चलते हैं अंदर मंदिर में, दिखाते हैं आपको। ये देखिए यही वो कनक भवन है जो सीता जी को मिला था मुंह दिखाई में। तो मुंह दिखाई में किसने दिया होगा ये आप सबको पता ही है कि किसने दिया होगा, माता कौशल्या जी ने। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये कनक मंदिर में भी लाइटें चेंज होती रहती हैं, कलर चेंज होते रहते हैं लाइटों के, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी नीली हैं फिर ये चेंज हो गई
जैसे कि वृंदावन में होता है। तो बस अब टाइम हो रहा है बंद होने का मंदिर, तो इससे पहले कि बंद हो हम लोग जाएं अंदर और करते हैं दर्शन और आपको भी कराते हैं दर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स जा रहे हैं अंदर कनक मंदिर में। ये तो देखिए फ्रेंड्स ये है मंदिर, अंधेरा हो चुका है, रात के बज रहे हैं 8:30 और अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर में अंदर सीता जी के। ये देखिए पर्दे गिरे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में होंगे और दर्शन होंगे। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी पट गिरे हुए हैं, वो खुलेंगे अभी 1.5 घंटे बाद, तो हमें शायद अभी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। देखेंगे, कोशिश करेंगे कल दोबारा दर्शन करने की। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस। और ये सब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, जो 9:30 बजे दर्शन खुलेंगे तो ये रात को करेंगे। और अभी हम लोग तो निकल रहे हैं और कोशिश करेंगे कल आके दोबारा से सीता जी के दर्शन करें। तो बोलो जय सियाराम। तो देखिए फ्रेंड्स जा रहे हैं हम अब पार्किंग की तरफ और भक्तों का रेला देख सकते हो कितनी भीड़ है, जहाँ देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। तो हम भी जा रहे हैं, अब अगर कोई रिक्शा मिल जाएगी तो थोड़ा सही हो जाएगा, नहीं तो बच जाएंगे पैदल। हेलो, देखते हैं। देखिए ये हो रही है परिक्रमा जो 8 बजे चालू होती है, और देखिए कितने लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखिए पंचकोसी परिक्रमा, यानी कि 15 किलोमीटर लंबी ये परिक्रमा होती है। ये देखिए का